ओके स्टूडेंट्स, तो पिछला वीडियो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि बहुत ट्राई किया फिर भी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाए। अब ये हुआ ये था कि मुझे एक्चुअली इसका उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर भी अभी मैं भी सीख रहा हूँ। तो जैसे पिछले वीडियो में साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो वो प्रॉब्लम देखते हैं अभी यहाँ कितना सॉल्व हो पाता है। लेकिन मैंने मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया था, कंटिन्यू 6 से 8 घंटा मैं उसको सॉल्व करने के लिए लगा रहा, बहुत सारे वीडियोस देख डाले, अलग अलग ऐप्स चेक कर लिए, और लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा था। फिर बाद में एक ऐप मिला जिसके थ्रू ये हो पाया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे 4-5 ऑप्शन को उसके अंदर 4-5 ऑप्शंस के अंदर फिर से 4-5 अलग अलग सेटिंग्स, तो हर बार एक सेटिंग का। फिर मुझे उतना थोड़ी नॉलेज है हमको इस सारे चीज़ का, अब सिर्फ हेडफोन कान में रख के सुनते जाओ, फिर एक सेटिंग को कम ज़्यादा करो, फिर देखो क्या हो रहा है, उसके बाद उसी के साथ दूसरी सेटिंग, फिर याद रखो कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ऐसे करते करते 4-5 ऑप्शन यानी 8-10 से ज़्यादा सेटिंग्स का कॉम्बिनेशन, यानी ये सब करते करते 5 से 6 घंटे लग गए। और एक तो ये हो गया कि जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तब भी मैं कंटिन्यूसली ये कर ही रहा था, तो हो रहा था ये कि मैं दाएं हाथ से खाना खा रहा हूँ और मेरे बाएं हाथ से वो कंटिन्यू सेटिंग चल रहा है मेरा, मैं सुन रहा हूँ, और उससे भी आगे आईपीएल की मैच भी शुरू है, तो मैं आईपीएल की मैच भी देख रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, और आपका वो सेटिंग भी सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा करते करते एंड में थोड़ा सा हो गया, तो और उतना मैंने इसलिए उस वीडियो को रिप्लेस भी कर दिया है, जिसमें थोड़ा सा अगर कोई हेडफोन डाल के सुनता है तो उसको थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये दूसरा वीडियो है, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब ऐसे अब मैं शूट करने के लिए अभी अपने घर में ही हूँ, तो थोड़ा सा लाइटिंग का यहाँ प्रॉब्लम है, फिर भी लगा हुआ हूँ, देखते हैं अगर इसमें कुछ हो पाता है या नहीं, लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। पिछला जो वीडियो हमने एंड किया था वो हमने एंड किया था एडाप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, तो एक बार उसको समाप्त कर लेते, एक लास्ट पॉइंट उसमें से छूट गया था क्योंकि फिर से वही टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेरे को नहीं समझ में आया, एंड का पार्ट वो मिसिंग हो गया, यानी एडिट करते करते वो कट हो गया मेरे हाथ से, तो जो एक दो पॉइंट्स है वो भी थोड़ा सा अभी कर लेते। तो एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, इसमें से पहला जो था वो था कि भाई दे है देयर रूट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल, क्या था वो पहला एडाप्टेशन, रूट्स आर फर्मली रूटेड इन सॉइल, ये था। सेकेंड एडाप्टेशन दे हैव वैक्सी कवरिंग ओवर दी लीफ एंड स्टेम, वैक्सी के कवरिंग ओवर स्टेम एंड लीव्स, एंड थर्ड था उसके जो लीव्स है बहुत ही थिन और स्लेंडर होते हैं, द लीव्स आर थिन एंड स्लेंडर। अब जो लास्ट छूट गया था वो अभी डिस्कस करते, जो फोर्थ वन था वो ये था कि दे हैव एयर स्पेसेस इन देयर स्टेम, उनके स्टेम के अंदर छेद होते हैं, ऐसे हॉलो होता है उनका स्टेम, दे हैव एयर स्पेसेस इन देयर स्टेम, अब ये क्यों होता है, व्हाई दे हैव एयर स्पेसेस इन स्टेम, ये ऐसा है कि अगर स्टेम में एयर स्पेसेस नहीं हो तो वो बहुत ही हेवी हो जाएगा, और फिर वो शायद सीधे खड़ा नहीं रह पाएगा ना पानी में, क्योंकि वहाँ उसको फ्लोट भी करना है, तो फ्लोटिंग के लिए उसके जो स्टेम से अंदर से हॉलो होते हैं, तो हॉलो होने के लिए उनमें एयर स्पेसेस का होना बहुत ज़रूरी है, और इन एयर स्पेसेस की वजह से स्टेम्स जो है वो हॉलो हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जिसके बाद ये पता नहीं अभी दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइटिंग का प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर से कमेंट्स कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में और इसको इम्प्रूव करूँगा। सो दीज आर दी एडाप्टेशन इन एक्वेटिक्स प्लांट्स। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एडाप्टेशन मेड बाय डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट में जो प्लांट है उन्होंने किस तरह से एडाप्टेशन किया है।
aquatic plants. Now we will see adaptation in desert plant. सबसे पहले तो क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कम कमतरता होती है, सो द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स वो पानी की खोज में बहुत डीप इनसाइड द सॉइल चले जाते हैं. सो रूट्स आर डीप इनसाइड द सॉइल. भले आपको शायद ये दिख ना रहा हो तो फिर भी, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो उसी हिसाब से आप भी अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा. द फर्स्ट एडाप्टेशन इज द रूट्स आर डीप इनसाइड द सॉइल. और ये ऐसा क्यों है, अगर क्वेश्चन मानो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि व्हाई द रूट्स आर डीप इनसाइड द सॉइल, तो आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा कि द वाटर लाइज इन वेरी डीप बीनीथ द सॉइल एंड दैट्स व्हाई टू search for that water the roots should have to go deep inside the soil in desert. Now second, ab kyunki desert mein bahut sunlight bahut hoti hai, garmi bahut hoti hai, jaise abhi bhi bahut garmi ho rahi hai kyunki record karna hai to fan to shuru nahi kar sakte, upar se light shabash music bhi chalu ho gaya to light bhi chali gayi hai, fir bhi aapko ye next part dena hi hai isliye main recording kar raha hu. Ab क्या था, हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस गर्मी की वजह से इवापोरेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तब इस इवापोरेशन ऑफ वाटर को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को कन्वर्ट कर लिया थॉर्न्स में. थॉर्न्स यानी क्या कि भाई कांटों में, जिसके वजह से पानों से जैसे यहाँ पे जो हम देखते हैं हमारे तरफ, तो जो लीव्स से पानी निकलता है वो इवापोरेट हो जाता है जिससे ट्री के अंदर का वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है. लेकिन इसी तरह से अगर डेजर्ट में होता तो पूरा पूरा पानी खत्म हो जाता और वैसे भी पानी वहाँ पे कम है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, द लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स इन डेजर्ट प्लांट. द लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स, कांटों में कन्वर्ट हो गए. इससे हुआ ये कि एक तो पानी की बचत हो गई, दे सेव्स वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग, भाई इवेपोरेट नहीं हो रहा तो वाटर बच रहा. लेकिन अभी लीव्स नहीं है, थॉर्न्स हो गए, तो फिर अभी प्लांट्स को खाने पीने के लिए जो फूड चाहिए वो तो वो गेन करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो अब लीव्स ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा. तो हुआ ये कि जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट्स के थ्रू एनर्जी बनाना, फूड और एनर्जी बनाना, ये प्लांट्स करते हैं, हम नहीं कर सकते. अब ये करने के लिए क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसका कलर ग्रीन होता है, इसीलिए पत्तों के कलर भी ग्रीन दिखते हैं. अब डेजर्ट में जब कैक्टस वगैरह है उनको पत्ते नहीं, पत्ते तो कन्वर्ट हो गए थॉर्न्स में, तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा. इसीलिए क्या होता है, वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इंस्टेड ऑफ लीव्स उनके स्टेम में ही आ जाता है, इसलिए उनका स्टेम जो है वो हरे कलर का दिखता है. बाकी हमारे यहाँ के जो पेड़ है उनका स्टेम हरे कलर का नहीं, वो ब्राउन कलर का दिखता है, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है उनका स्टेम ही हरे कलर का दिखता है. व्हाई इट इज़ ग्रीन, बिकॉज इट हैज अ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द स्टेम, दैट्स व्हाई दैट स्टेम अपीयर्स ग्रीन. सो थर्ड एडाप्टेशन क्या है, द स्टेम अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट. अब जो क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस की वजह से जो फूड बनेगा वो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो पानी आ रहा है, रूट्स जो पानी ला रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. हमारे तरफ के जो पेड़ हैं उन सब में ये स्टोरेज करने के लिए लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उनको तो लीव्स और फ्रूट्स है ही नहीं, तो इसलिए वो सारा फूड और वाटर स्टेम में ही स्टोर हो जाता है. सो दैट्स व्हाई देयर स्टेम अपीयर्स एक तो ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, और दूसरा क्योंकि पानी भी उसी स्टेम में स्टोर हो रहा है, फूड भी उसी स्टेम में स्टोर है, तो थोड़ा सा फ्लेशी हो जाता है. जैसे इधर के जितने भी स्टेम्स हैं पेड़ों के वो हार्ड है, सख्त है, लेकिन वो कैक्टस का जो स्टेम है वो फ्लेशी है, क्या बोलेंगे, सॉफ्ट है. व्हाई इट इज सॉफ्ट, बिकॉज इट हैज वाटर इन इट, ऑल्सो सम काइंड ऑफ फूड. सो दैट्स व्हाई द फोर एडाप्टेशन इज द स्टेम बिकम्स fleshy
और सॉफ्ट, वी कैन से सॉफ्ट. व्हाई इट इज फ्लेशी और सॉफ्ट? बिकॉज इट हैज फूड एंड वाटर इन इट. सो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, तो ब्रैकेट में लिखता हूँ. इसको एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एडाप्टेशन देख रहे हैं तो एडाप्टेशन में लिखना है. लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाई द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट इज ग्रीन एंड सॉफ्ट एंड फ्लेशी. सो इसके लिए ये आंसर रहेगा, सॉफ्ट एंड फ्लेशी ये क्यों है? बिकॉज इट स्टोर्स फूड एंड वाटर. तो फूड एंड वाटर वो स्टोर करता है, इसलिए वो सॉफ्ट एंड फ्लेशी है. सो दीज आर दी फोर एडाप्टेशन मेड बाय द डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट के मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल्स बता दिए थे. अब आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी एडाप्टेशन मेड बाय द डेजर्ट प्लांट, तो ये चार एडाप्टेशन आपको लिखना है. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फास्टली. फर्स्ट एडाप्टेशन इज रूट्स आर डीप इनसाइड द सॉइल. व्हाई दे आर डीप इनसाइड द सॉइल? बिकॉज इन सर्च ऑफ वाटर, बिकॉज इन डेजर्ट द वाटर इज ऑल्सो डीप इनसाइड. And the second is the leaves are converted into thorns. Why the leaves are converted into thorns? ये सारे questions आ सकते हैं, इसमें हर एक पे एक question पूछा जा सकता है. किस तरह से? Why से? Why the roots are deep inside the? Why the leaves are converted into thorns? Answer क्या होगा? Why the leaves are converted into thorns? Because they have to prevent the evaporation of water. That's why their leaves are converted into thorns. फिर third क्या है? The stems appear green due to chlorophyll pigment. अब यहाँ तक ड्यू टू तो मैंने लिख के दिया है, यहाँ इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा. द स्टेम्स अपीयर्स ग्रीन, क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा. व्हाई द स्टेम अपीयर टू बी ग्रीन? बिकॉज इट हैज अ क्लोरोफिल पिगमेंट इन इट. एंड लास्ट वन, द स्टेम्स बिकम्स फ्लेशी एंड सॉफ्ट. तो क्यों है? क्योंकि इट स्टोर्स फूड एंड वाटर इन इट. सो दीज आर दी फोर एडाप्टेशन मेड बाय डेजर्ट प्लांट. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दीज फोर एडाप्टेशन. सो आपको ये लिख लेने हैं, इसका क्वेश्चन भी लेना है आपको. आप हर एक पे एक वाई वाला एक क्वेश्चन भी ले लें. हर एक एडाप्टेशन पे एक वाई वाला क्वेश्चन बनता है, वो भी आप लिख लें. ये सारे क्वेश्चंस के होमवर्क्स आपको रहेंगे. आपने क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना है. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना. थोड़ा सा शेक हो गया सेटिंग. ओके अब ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टेशन इन प्लांट्स इन स्नोवी रीजन. अच्छा तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें एक्चुअली. ये फर्स्ट वीडियो में हमने इस सारे चीज़ों को डिस्कस कर भी लिया. थोड़ा सा सिस्टम अच्छा ठीक है. हमने लास्ट पीरियड में इसको डिस्कस भी कर लिया था, एडाप्टेशन इन स्नोवी रीजन. एडाप्टेशन नाउ वी विल सी इन स्नोवी रीजन एंड एडाप्टेशन मेड इन फॉरेस्ट रीजन. अब ये दो तरह के रीजन्स हैं जिसके एडाप्टेशन और देखना है हमें. कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है. स्नोवी यानी ऐसा रीजन जहाँ पे बर्फ गिरता हो, जैसे कश्मीर हो गया. ओके हमने देखा था क्या एडाप्टेशन है. एक ही सिंगल सा एडाप्टेशन है. द शेप ऑफ द ट्री इज कोनिकल. कोनिकल कोन, कोन पता होगा आपको. आइसक्रीम कोन खाते हैं कि सिर्फ वो उल्टा आइसक्रीम जैसे होता है, उल्टा कोन. सो ये इस तरह का वो ट्री होता है, मैंने फोटोज में देखा था. तो ये कोन जैसा होता है. कोनिकल क्यों होता है? बिकॉज व्हेन स्नो गेट्स ऑन दैट ट्री, सो ड्यू टू दैट इंक्लाइंड यानी तिरछा होने की वजह से वो स्नो यहाँ से नीचे चला जाता है, और इसी वजह से वो ट्री वहाँ बच पाए इन स्नोवी रीजन. एक ही अडेप्टेशन है, द शेप ऑफ द ट्री इज कोनिकल. अब ये कोनिकल क्यों? क्योंकि ब्रांचेस जो है उनके वो ऐसे ना होते हुए वो इस तरह से, सो इट गेट्स द कोनिकल शेप. सो दिस इज द एडाप्टेशन मेड बाय ट्रीज इन स्नोवी रीजन. अब दूसरा है फॉरेस्ट रीजन में. क्या है फॉरेस्ट रीजन? यानी अपने एरिया का जो रीजन है. अब हम देखते हैं हमारे तरफ फॉरेस्ट में ट्रीज छोटे छोटे नहीं होते बहुत. वैसे तो हर तरह के ट्रीज फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, हर्ब भी है, श्रब भी है, लेकिन हम बात करते हैं बड़े ट्रीज के बारे में. तो हम ये देखते हैं कि द हाइट ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट रीजन इज वेरी टॉल. दे आर वेरी टॉल. तो ये पहला एक एडाप्टेशन है. द ट्रीज आर टॉल, उन्होंने अपनी हाइट बढ़ा ली. अब ऐसा क्यों किया, यहाँ के ट्रीज ने अपनी हाइट क्यों बढ़ाई? क्योंकि
फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है तो बहुत सारे ट्रीज नज़दीक नज़दीक होंगे। अब सभी ग्रो करेंगे तो भाई सभी को सनलाइट चाहिए, बिकॉज सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से वो फूड बना पाते हैं। तो सनलाइट ज़्यादा किसको मिलेगी? जो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे जो है उस तक तो सनलाइट ही नहीं पहुँचेगी क्योंकि ऊपर वाला सनलाइट ले लेगा। इसीलिए फॉरेस्ट रीजन में क्योंकि बहुत सारे ट्रीज नज़दीक नज़दीक होते हैं, सभी में कॉम्पिटिशन होता है कि वो ग्रो करे बाकियों से ज़्यादा। तो इस वजह से जो ज़्यादा ग्रो करेगा वो ज़्यादा सनलाइट पाएगा, और यही फिर एडाप्टेशन में आ गया। एडाप्टेशन है क्या? ज़िंदा रहने की मशक्कत, कैसे हम बाकी उसे अच्छे बने ताकि हम उस हालात में ज़िंदा रह सकें। ये सारे प्लांट्स ने किया है। यहाँ के प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत थी और बाकी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, तो उनको भी बहुत तेज़ी से ग्रो होना पड़ा, आजू बाजू के ट्रीज ग्रो हो रहे थे। इसलिए इन सारों में कॉम्पिटिशन की वजह से ये देखा जाता है कि यहाँ फॉरेस्ट रीजन में जो भी ट्रीज है दे आर टॉल और टॉलर, टॉलर द ट्रीज आर टॉलर। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द ट्रीज आर टॉलर इन फॉरेस्ट रीजन। सो व्हाई द ट्रीज आर टॉलर इन फॉरेस्ट रीजन, बिकॉज द हाइट ऑफ ट्रीज आर मोर टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यही है एडाप्टेशन। अब एक आधा एडाप्टेशन और अगर डालना है तो जो ब्रांचेस ग्रो करते हैं, जैसे अगर हम स्नोवी रीजन में देते तो वो इंक्लाइंड ऐसे जैसे नीचे, और यहाँ इस तरह से नहीं, जनरली इस तरह से फैले हुए ग्रो करेंगे ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा फैलेंगे उतना ज़्यादा वो क्या ट्रैप कर पाएंगे, ये सनलाइट। तो हम ये लिख सकते हैं उसमें द ब्रांचेस आर स्प्रेड टू आउटसाइड डायरेक्शन, द ब्रांचेस आर स्प्रेड टू आउटसाइड डायरेक्शन, यानी फैला हुआ होता है। उस वजह से हमें ये ट्रीज भी बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। और एक चीज़ हम डाल सकते हैं इसमें कि हम ये डाल सकते हैं उनके पत्तों के साइज़ भी थोड़े से बड़े हैं अगर हम बाकी क्लाइमेट के जो ट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें सो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड एडाप्टेशन, द साइज ऑफ लीव्स आर बिग। अब ऐसा क्यों है? फिर से वही बात कि जितना बड़ा, एकदम भी बहुत बड़े नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अच्छे खासे बड़े हैं। तो जितने ज़्यादा बड़े पत्ते होंगे उतना ज़्यादा वो सनलाइट ट्रैप कर पाएंगे और उतना ही अच्छे से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अब और भी है लेकिन अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि लाइट भी आती जाती जा रही है, अब बारिश भी शुरू हो गई है। नेक्स्ट वीडियो डालते पहले तो ये देखते हैं कि इस वीडियो का किस तरह से ओवरऑल क्वालिटी रहा, साउंड क्वालिटी भी आप ठीक आ रहा है नहीं रहा है, आप क्या करें कमेंट करके मुझे बताएं। यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, नीचे बताइएगा कि क्या साउंड क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। अब लाइट क्वालिटी का तो खैर मैं कुछ कर लूँगा थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट क्वालिटी भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें लगे रहना पड़ेगा, अगर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करें अब सब कुछ ऐसा, सब कोरोना की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो हम तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकते और ना ही हम पढ़ाना छोड़ सकते। बस हम ये कर सकते हैं कि जितनी भी कठिनाई आती है उसमें लगे रहो, छोड़ो मत, एंड तक गेम को छोड़ो मत, से वही है। मुझे ये नहीं आता एग्जैक्टली किस तरह से ये सारा टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी एक है कि भाई सीखना चाहता हूँ मैं सब कुछ, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं इसमें मास्टरी हासिल कर ही लूँगा, और तब तक इसी तरह से वीडियो के थ्रू हमें काम चलाना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, बेटरमेंट करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि किसी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है, जीतना हारना ये लगा रहता है, जीतना ही चाहिए, हमें सबसे अच्छा होना ही चाहिए ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है हमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। ये चैलेंज है कोरोना का हमारे सामने कि अब बता, तुम पढ़ा के बताओ और तुमको चैलेंज है तुम पढ़ के बताओ। बस चैलेंज फेस करते हैं, जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हारा के रहेंगे, पढ़ के रहेंगे, पढ़ा के रहेंगे। सो विद दैट गुड थॉट, इट्स बाय बाय।